जी, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 5 है, एडजेक्टिव विद आर्टिकल्स द एंड वर्ब हेल्पिंग वर्ब। अब इसका मतलब क्या है, इसके मतलब को पहले समझ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है पुअर, और इसी तरह से सच और ब्रेव। जब हम एडजेक्टिव के साथ टी एच ई द लगाते हैं तो फिर क्या होता है, वैसे तो पुअर जो है वो सिंगुलर है, लेकिन पुअर के साथ जब हम द लगाते हैं तो वो एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वो एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है तो फिर ये सिंगुलर ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि प्लूरल ट्रीट किया जाता है। इसीलिए इसके साथ हम जब वर्ब लगाएंगे या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वो प्लूरल लगाएंगे, ना कि सिंगुलर लगाएंगे। जैसा कि द पुअर आर गेटिंग पुअरर, आर इज द राइट ऑप्शन, मैं इसको बोल्ड भी कर रहा हूँ। सिमिलरली द लव द डेड, सॉरी, थ्रू लव द डेड डैश टू लाइफ। अब द डेड जो है ये प्लूरल हो गया है, तो इसके साथ हम राइजेस नहीं लगाएंगे बल्कि राइज लगाएंगे। इसी तरह से द रिच एट द अपर लेवल डैश अ गोल्डन चांस। अब द रिच जो है वो सिंगुलर नहीं रहा है, वो प्लूरल बन गया है, तो इसके साथ हम गेट लगाएंगे, ना के गेट्स लगाएंगे। इसी की मजीद हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंसेस आपके सामने हैं, आप इनको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मुनासिब ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको आराम से रीड करें, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको हल करने की कोशिश करें। वैसे तो राइट ऑप्शन मैंने साथ में दिए हुए हैं।